दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो पे हम डिजायर ने अपना अमानत कैसे खो दिया इस वीडियो में बातें करेंगे और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों डिजायर ने अपना अमानत जो है खो चुका है। पिछले कुछ महीनों से टॉप 10 में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला, बेस्ट सेलिंग करने वाला मारुति डिजायर आज ऐसा हाल है कि लोग जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, इस तरह इसका हाल हो चुका है। यानी कि इसका सेलिंग जो है टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है, यानी कि इसका सेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो दोस्तों डिजायर तो काफ़ी ज़बरदस्त कार है, ये एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है। इस सेगमेंट में कॉम्पैक्ट सेगमेंट सेडान कार में ये नंबर 1 पोजीशन में था, फिर भी दोस्तों इसका जो सेलिंग है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो चलिए दोस्तों हम टॉप 10 कार के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे दोस्तों टॉप 10 में जो एक नंबर पोजीशन में आता है वो मारुति सुजुकी का स्विफ्ट है। दोस्तों स्विफ्ट का सेलिंग इस महीने में बहुत ज़्यादा ऊँचाई छू लिया है। इस महीने इसने 18,696 पीस बेचा है। दोस्तों स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और इसमें डीजल इंजन भी दिया गया है। दोस्तों इसका माइलेज लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है और इसका जो इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए लोगों इससे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप डिजायर के साथ कंपेयर करें तो डिजायर स्विफ्ट के मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कार है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका अगर प्राइस की बात की जाए तो ये डिजायर से कम कीमत में मिल जाता है। इसका प्राइस 5.2 लाख रुपीज़ एक शोरूम से शुरू हो जाता है। दोस्तों इसमें सारे ज़बरदस्त फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसा कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज और आपको यहां पे एयर कंडीशन, हीटर और ओवरऑल हर तरह के फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं इस नंबर में सेकेंड पोजीशन किसका है। दोस्तों सेकेंड पोजीशन में भी मारुति सुजुकी का एक कार है जिसका नाम मारुति सुजुकी वैगनर है। दोस्तों मारुति सुजुकी वैगनर एक टॉल बॉय हैचबैक कार है जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो चुका है और फिलहाल इसका जो सेलिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इस महीने इसका सेलिंग 18,235 पीस हुआ है। तो दोस्तों ये सेकेंड पोजीशन में है और इसमें जो कंफर्टेबल सीट के वजह से इसे लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इसका जो टॉल बॉय डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है और इसमें 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है। माइलेज इसका लगभग 22 के आसपास है। CNG में इसका माइलेज लगभग 30 किलोमीटर प्लस है। दोस्तों इसका प्राइस 4.5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता दोस्तों, है। दोस्तों इस कार में स्विफ्ट की तरह जरूरत के सारे फीचर्स में दिए गए हैं। इसमें भी आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हर तरह के फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों इस सेगमेंट में तीसरे नंबर में आता है मारुति सुजुकी का ऑल्टो। दोस्तों मारुति सुजुकी ऑल्टो दो वेरिएंट के साथ में आता है, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 और मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। दोस्तों ऑल्टो 800 इंजन के साथ में आता है, वहीं K10 जो है 1000 CC इंजन के साथ में आता है। दोस्तों मारुति सुजुकी 800 का जो माइलेज है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल जो BS6 इंजन में आया है इसका माइलेज थोड़ा सा कम गया है, फिर भी इसका माइलेज जो है 22 प्लस है। वहीं दोस्तों मारुति ऑल्टो K10 का माइलेज लगभग 23 से 24 किलोमीटर है। दोस्तों वहीं अगर CNG की बात की जाए तो CNG पे दोनों का माइलेज 33 से लेकर 35 किलोमीटर तक है। दोस्तों इसका इंटीरियर की बात करें तो इसमें भी आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सब नहीं मिलता है, लेकिन पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, एयर कंडीशन, हीटर, 12 वोल्ट का पावर आउटपुट सॉकेट, ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं। इसका सीट दोस्तों वैगनर के जैसा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक छोटे से कार के लिए काफ़ी अच्छा है। प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 2.9 लाख रुपीज़ से शुरू हो जाता है। दोस्तों इस सेगमेंट में चौथे पोजीशन पर आता है मारुति सुजुकी का बैलेनो। बैलेनो का भी दो मॉडल मिलता है, बैलेनो और बैलेनो एरास। एरास जो है दोस्तों ये टॉप वेरिएंट है और इसका कीमत जो है ज़्यादा है। तो दोस्तों हम बैलेनो की बात की जाए तो बैलेनो का सेलिंग इस महीने में काफ़ी अच्छा रहा है। 16,585 सेलिंग हुआ है, पीस सेलिंग हुआ है, जो बैलेनो को चौथे नंबर में रखने में कामयाब हुआ है। वहीं दोस्तों अगर आप इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें ज़रूरत के सारे फीचर्स दिए गए हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल फीचर्स जैसे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इंजन डिटेल्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसका माइलेज लगभग 23 किलोमीटर का है और इसका अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसका 5.7 लाख रुपीज़ से शुरू हो जाता है। दोस्तों इसमें फीचर्स के हिसाब से इसमें ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं और इसे एक प्रीमियम सेगमेंट का हैचबैक कार कहा जा सकता है। इसका जो सीटिंग है दोस्तों काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन दोस्तों अगर आप टॉल बॉय डिजाइन मारुति सुजुकी वैगनर के साथ कंपेयर करेंगे इसमें आपको जो हेडरूम है आप... दोस्तों सभी कार के सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो सभी कार में ABS, EBD, एयरबैग जो है स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आते हैं, इसलिए कि जो सेफ्टी नॉर्म्स
इंडिया में आ चुका है, इसलिए सभी कार को सेफेस्ट बनाया गया है। लेकिन दोस्तों बॉडी और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये आगा पीछे हो सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में पाँचवें नंबर में आता है किया का सेल्टॉस। दोस्तों ये लॉन्च होते ही धमाल मचा चुका था। ये एक SUV है और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी लोगों को पसंद आता है और इसका जो सेलिंग है इसलिए ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इसमें आपको ज़बरदस्त फीचर्स भी मिलते हैं। दोस्तों किया सेल्टॉस का इस महीने में सेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, 14,000 से भी ज़्यादा सेलिंग इसका हुआ है और इसमें आपको प्रीमियम लेवल के आपको फीचर्स मिलते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो दिया गया है काफ़ी बड़ा दिया गया है आपको। इसमें क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और आपको स्टेयरिंग बटन कंट्रोल, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज और आपको जैसे आप जिस तरह का आप फीचर्स खोजते हैं आप सभी तरह का फीचर्स आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पे प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 9.8 लाख रुपये से शुरू हो जाता है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें फिट किया गया है जिसका माइलेज लगभग 18 किलोमीटर तक है। दोस्तों फिलहाल किया सेल्टॉस 5 सीटर के साथ में आता है, आगे 7 सीटर के साथ आने का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 6 नंबर में बात की जाए तो 6 नंबर में भी मारुति सुजुकी का एक बेहतरीन MPV है। इसका नाम है मारुति सुजुकी अर्टिगा। दोस्तों अर्टिगा का सेलिंग पहले इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जब नया अर्टिगा आया है तब से इसका सेलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर टॉप 10 पे आ चुका है और ये इस महीने में 11,782 पीस सेल हुआ है मारुति सुजुकी अर्टिगा का, जो काफ़ी ज़बरदस्त है एक MPV के हिसाब से। दोस्तों इसका जो प्राइस है सिर्फ 7.5 लाख रुपये से शुरू हो जाता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट मिल जाता है और CNG के साथ भी आ चुका है। अब यहाँ पे पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो इसमें 19 किलोमीटर का माइलेज है और वहीं डीजल इंजन में आपको 25 किलोमीटर तक का माइलेज मिलता है। फीचर्स की बात की जाए तो ये फीचर्स रिलेटेड MPV है, इसमें सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जैसा कि मैं आपको बताया हूँ पिछली बार। तो दोस्तों ये 7 सीटर के साथ में आता है, इसका सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों ये कम कीमत में अच्छे फीचर्स के साथ 7 सीटर कार है, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है और इसलिए ही इसका सेलिंग जो है बढ़ चुका है। वहीं दोस्तों 7वें नंबर में मारुति सुजुकी का सबसे सस्ता और सबसे किफ़ायती 7 सीटर कार मारुति सुजुकी इको है, जिसका सेलिंग इस महीने में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। 11,227 पीस सेल हुआ है इस महीने में फरवरी 2020 की। तो दोस्तों इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसका पेट्रोल माइलेज 16.5 है और CNG पीस का माइलेज ज़बरदस्त है, यानी कि 22 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों ये सबसे सस्ता और सबसे किफ़ायती 7 सीटर कार है मारुति सुजुकी का। दोस्तों इसमें ABS ABD एयरबैग के साथ में आप फ्रंट साइड एयरबैग ही मिलते हैं, यानी कि एक एयरबैग मिलता है। इसका जो सीट है दोस्तों 5 सीटर और 7 सीटर दो मॉडल के साथ में आता है और इसका सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 3.9 लाख रुपये से शुरू हो जाता है, जो काफ़ी कम है। वहीं दोस्तों इस लिस्ट में 8वें नंबर में आता है हुंडई ग्रैंड i10। दोस्तों ग्रैंड i10 का न्यूएस्ट वेरिएंट भी आ चुका है, इसलिए दोस्तों ये इसका जो सेलिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों ग्रैंड i10 और न्यूएस्ट दोनों मॉडल मिलकर दोस्तों 10,407 पीस सेलिंग हो चुका है इसका। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रैंड i10 का न्यूएस्ट वेरिएंट इसका जो प्राइस है 5 लाख रुपये से शुरू हो जाता है और यहाँ पे इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है और डीजल इंजन भी आपको इसमें दिया गया है, दोनों ही इंजन BS6 है। दोस्तों पेट्रोल इंजन का माइलेज जो है 20 किलोमीटर है, वहीं डीजल का जो माइलेज है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों इसमें भी आपको सारे ज़रूरत के फीचर जो है सारे मिलते हैं, ABS CVT एयरबैग भी आपको इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों ये कम कीमत में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार रहेगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में 9वें नंबर में आता है हुंडई का वेन्यू। दोस्तों ये एक SUV है और इसे लोग आप कनेक्टेड SUV कहते हैं, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप अपने स्मार्टफोन से इस कार को यानी कि इस SUV को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये एक ज़बरदस्त फीचर है। दोस्तों वेन्यू का सेलिंग इस महीने में काफ़ी ज़बरदस्त रहा है और 10,000 से भी ज़्यादा सेलिंग इसका इस महीने में हुआ है। वहीं दोस्तों अगर आप इस इंजन डिटेल की बात करें तो इसमें कई सारे इंजन ऑप्शन मिलते हैं, साथ में जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, इसका माइलेज लगभग 17 किलोमीटर तक है और इसका प्राइस सिर्फ 6.7 लाख रुपये से शुरू हो जाता है। दोस्तों ये 5 सीटर के साथ में आता है, इसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स और सेफ्टी के मामले में ये कार काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसलिए दोस्तों ये एक कनेक्टेड SUV है, जो स्मार्ट SUV कह सकते हैं इसे, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो दोस्तों इस लिस्ट में मारुति सुजुकी का सबसे सस्ता मिनी SUV मारुति सुजुकी एस्प्रेसो आया है नंबर 10 में। इसका भी सेलिंग दोस्तों काफ़ी अच्छा रहा है पिछले महीने के मुकाबले में, इसका भी जो सेलिंग है लगभग ठीक ठाक रहा है। इस बार इस महीने में इसका सेलिंग 9,500 से भी ज़्यादा सेलिंग हुआ है। दोस्तों मारुति सुजुकी एस्प्रेसो लंच होते ही धमाल इसलिए मचा दी थी कि
इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है और इसे SUV बना दिया गया है जो दिखने में काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। दोस्तों इसका जो फ्रंट लुक है काफ़ी अच्छा है, वहीं इसका इंटीरियर जो है काफ़ी सारे चेंजेस के साथ में आया है और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर को मिडिल पे रख दिया गया है और इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले छोटा सा दिया गया है और आपको इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज और कई सारे ज़बरदस्त फीचर जो हैं आपको इसमें ऐड किए गए हैं। दोस्तों जो इसका जो प्राइस है 3.7 लाख रुपीस से शुरू हो जाता है। इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन फिट किया गया है जिसका माइलेज लगभग 22 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों इन सभी कारों में आपको कौन सा कार पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।